इससे पहले वीडियो में मैंने आपको साधारण भिन्न, भिन्न किसे कहते हैं और भिन्नों के प्रकार के बारे में बताया था। यहां पे मैं आपको भिन्नों का जोड़ और घटाव बताऊंगा। कुछ प्रश्न यहां पे दिए गए हैं। इन प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वह है 3/5 धन 2/8 धन 1/4। जो ये तीन भिन्न हमको दी गई है, इन भिन्न को हमको जोड़ना है और भिन्नों के जोड़ में हमें यह मालूम होना चाहिए कि जब हमको भिन्नों का जोड़ करना हो तो जो हमारे पास भिन्न है उनके हरों का हम एलसीएम निकालेंगे। यहां पे हर हमारे पास जो है वो 5, 8 और 4 है, इनका हमें लॉसो निकालना है। तो सबसे पहले आप 5, 8 और 4 का लॉसो निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाता, 5 को ऐसे उतारेंगे, 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, 4 में 2 बार जाएगा और 2 में 1 बार, फिर 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, 2 में 1 बार और 1 का 1, फिर हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का 1, 1। हमारा जो 5, 8, 4 का लॉसो आएगा, 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 4, 4 × 8 और 8×5=40। लॉसो जो हमारा आया वह हमारा 40 आ गया। हमने 5, 8, 4 हरों का लॉसो निकाला। अब जो लॉसो निकाला है हम इसे एक लाइन खींच के बटे में लिख देंगे। अब जो हमारा हर है, जिनका हमने लॉसो निकाला है, प्रत्येक हर का भाग एलसीएम में देंगे और जो भागफल आएगा उससे हम उसके अंश को गुणा करके ऊपर लिख देंगे। अब हमारा हर 5 है, 5 का भागा 40 में, 5 × 8 = 40, 8 बार, और 8 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 3 = 24, प्लस का निशान है तो इसको हम प्लस कर देंगे। फिर इसी प्रकार से अगली हर का भाग हम एलसीएम में देंगे, 8×5=40, 5 और 5 से हम अंश को गुणा कर देंगे, 5×10, प्लस धन का निशान, इसको हमने यहां पे धन कर दिया। 4 का भाग 40 में देंगे, 4×40 10 बार जाएगा और 10 से हम 1 को गुणा कर, 10×1=10। ये हमारा इन का जो गुणनफल आया, अब हम इनको जोड़ देंगे जो हमारे ऊपर आया है अंश, यानी गुणनफल को जोड़ देंगे, 24×10=34 और 34 में 10 जोड़ देंगे हमारा 44। तो यह जो उत्तर आएगा हमारा 44/40। यह हमारा इन भिन्न का जो जोड़ आया वो 44/40 आ गया। इसे हम सरल भी कर सकते हैं और छोटे रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब हम इन दोनों को काट देंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे यह दोनों कट जाए। तो आप 4 से काट दिए, 4×2=40 और 4×1=4 और 4×1=4, यह हमारी 11/10 आ गया। अभी इसे हम और सूक्ष्म कर सकते हैं, और संक्षिप्त छोटा कर सकते हैं, 10 का भाग हम 11 में देंगे, ऐसे 10 का भाग हम 11 में देंगे, 10×10, 1 हमारा इसमें शेष आया, ये शेष आ गया। इसे लिखते हुए हम जो भागफल हमारा आया इसे हम पूर्णांक में लिखेंगे, जो शेष आया इसे हम अंश में लिखेंगे और जिसका हम भाग देते हैं उसे हम हर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस भिन्न का जो हमारा जोड़ आएगा वो हमारा 1/10 आ सकता आएगा। और इसे हम आप चेक करना चाहे कि यह हमारा 44/40 है या नहीं, क्योंकि यह हमने इसका छोटा रूप लिखा है, संक्षिप्त रूप लिखा है, तो इसे आप कर सकते हैं 10×10, 10×1=11, यानी 11/10। दूसरा प्रश्न है 7/5/8 ऋण 3/2/5। 7/5/8 में से हमने 3/2/5 को घटाना है।
तो सबसे पहले ये एक संयुक्त भिन्न दी गई है, तो संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो आंसर टू है 7 = 5/8 ऋण 3 = 2/5। इससे ये संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हर से हम पूर्णांक को गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें हम अंश को जोड़ देंगे। 7 × 8 = 56 और 56 में 5 को जोड़ देंगे तो 61/8 माइनस 5 × 3 = 15 और 2 = 17 = 5। जिस प्रकार से भिन्न के जोड़ में हम हरों का लॉसो निकालते हैं उसी प्रकार से भिन्न के घटाने में हरों का लॉसो निकालेंगे। तो 8 और 5 का लॉसो हमारा, आप निकाल के देखिएगा इसको, 8 और 5 का लॉसो, तो यह हमारा 40 आएगा। लॉसो मैंने आपको पहले बताई है, तो इसलिए 8 और 5 का लॉसो अगर निकालेंगे तो 40 आएगा। लॉसो को हम एलसीएम जो हमारा आया है इसको एक लाइन खींच के हमने नीचे रखा। अब हर का भाग हम लॉसो में देंगे, जो भागफल आएगा उससे हम अंश को गुणा कर देंगे और उसे यहां पे लिख देंगे। 8 का भाग 40 में 5 बार, 8 × 5 = 40 और 5 को आप 61 से गुणा कर दीजिए, 61 × 5 = 5 = 5 और 5 × 6 = 30, 305। ये हमने 305 लिख दिया ऋण 5 का भाग 40 में 8 बार, 5 × 6 = 40 और 8 को आप 17 × 8, 7 × 8 = 56 5 और 8 × 8 = 5 = 13, 136 बराबर। अब आप 305 में से 136 को घटा दीजिएगा, 5 में से 6 नहीं जाता तो 15, 15 में से 6 9, 9 और 3 6 और 2, 2 में से 1 गया 169/40। तो यह जो भिन्न हमारी आई 169/40, इसे भी हम छोटी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो हमारे पास है, 2 = 1/3 + 3 = 1/2। सर इसे भी हम आंसर नंबर 3 क्वेश्चन है 2 = 1/3 + 3 = 1/2। संयुक्त भिन्न है, सबसे पहले संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 × 6 = 7, ये हमारी आई 7/3 धन 2 × 3 = 6 और 6 × 1 = 7, ये हो गई हमारी 7/2। इस भिन्न में हमारे अंश समान हैं, तो इसमें भी हम जो हमारे हर हैं 3 और 2 इनका लॉसो निकालेंगे। 3 और 2 का लॉसो जो आएगा ये आप निकाल लीजिएगा, 2 का भाग 3 में नहीं जाता 2 में 1 बार और 3 का 2 × 3 = 6, 6 हमारा लॉसो आया। जो लॉसो हमारा आया एलसीएम इसे हमने नीचे लिखा, हर का भाग एलसीएम में देंगे, जो भागफल आएगा उससे अंश को गुणा कर देंगे। तो 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 × 6 = 2, 7 = 14 धन 2 का भाग 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 21 बराबर। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, धन का निशान है तो जोड़ना है। 4 और 2 = 4 और 1 = 5 और 1 और 2 = 3, 35/6। यह हमारा 35/6 आया, इसे भी आप छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है छोटा करने में। सीधे 6 का भाग आप 35 में दे दीजिएगा, क्योंकि हर का भाग अंश में देना होता है। तो 6 का भाग अगर हम 35 में देंगे, 6 × 5 = 30, 5 शेष आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो 6 का भाग हमने जो भागफल हम पे आया इसे हम पूर्णांक पे लिखेंगे, बराबर जो हमारा उत्तर आएगा 5 सही, जो शेष आया हमारा इसे हम अंश में लिखेंगे 5
और जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा नीचा है। तो जो हमारा उत्तर आया 5 सही 5/6, ये हमारा तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल है हम पे भिन्न का घटाव, 8/15 ऋण 4/25। तो आंसर 4/15 ऋण 4/25। तो वही हमें मालूम है कि भिन्न के घटाव में सबसे पहले हमें हरों का लॉसो निकालना होता है। तो 15 और 25 का हम लॉसो निकालेंगे, 15 और 25 का। 15 में 3 का भागा जाता है तो सबसे पहले हम 3 से दे देंगे, 3 का भागा 15 में 5 बार, 25 में नहीं जाता है, 25 को ऐसे उतार देंगे। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, और फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो हमारा जो एलसीएम आएगा 15 और 25 का, 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75। जो हमारा लॉसो आया ये आया 75। इस जब हम ऐसा काम सवाल करते हैं तो हमें एकदम से यह भी देख लेना चाहिए और यह भी हमारे साथ साथ क्लियर होना चाहिए कि लॉसो यह सबसे छोटी संख्या है, 75 हमारी सबसे छोटी संख्या है जो 15 और 25 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रही है। तो जो हमारा एलसीएम आया इसे हम एक लाइन खींच के नीचे लिखा हमने हर में 75, और जो हमारा हर है हर का भाग हम लॉसो में देंगे, 15 का भाग 75 में 5 बार, और 5 8 5 से हमने जो भाग फलाया उससे हमने अंश को गुणा कर दिया, 5 8 40। ऋण का निशान है तो हम ऋण 25 का भागा 75 में 3 बार जाता है, 25 3 75, और जो भाग फलाया उससे हमने अंश को 3 6 12। अब हम इसे 40 में से 12 को घटाएंगे, 10 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28/75। 8/15 ऋण 4/25, यानी कि 8/15 में से यदि हम 4/25 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आया उत्तर 28/75। इस प्रकार से हम भिन्नों का जोड़ और घटाव करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग सिखाऊंगा। धन्यवाद।